अच्छा जी, ये सामकुम एवरीवन, ये हमारा रेफरेंस है। ये आप देख सकते हैं इसके हम स्क्रीन के ऊपर कि ये एक ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है और इसके आगे हमारी ये 1, 2, 3, 4 किस्म की फूड फोटोज हैं। तो इस रेफरेंस को हम फॉलो करते हुए हम फोटोशॉप के ऊपर इसको स्टार्ट करेंगे। ये आपका फोटोशॉप है और सिंपल फाइल में गया है, न्यू में गया और आपने एक इंटरनेशनल पेपर क्रिएट किया और उसको सिंपल ओके किया। ये आपका जो इंटरनेशनल पेपर है ये अब आ जाएगा आपका पोर्ट्रेट में, ठीक है। तो अब हम इसको पोर्ट्रेट को आपने जब कन्वर्ट करना होगा लैंडस्केप में, तो एडिट और उसके बाद आप चले जाते हैं इमेज में, इमेज रोटेशन और 90 जब करेंगे तो आपका ये जो है लैंडस्केप में आ जाएगा। तो फिर रेफरेंस को देखते हैं कि सिंपल इसको राइट क्लिक करें, कॉपी करें, एक रेफरेंस की बेस पे आप इसको यहाँ पे पेस्ट करें और इसको आप पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसका कलर जो है आप आई ड्रॉपर से पिक करेंगे। ये सिंपल आपने क्लिक किया और पेन उसके बाद आपने रेक्टेंगुलर से एक आपने रेक्टेंगुलर इतना सा बना लेना। वो देखें कि आपके पीछे बैक साइड के ऊपर एक ग्रीन कलर का ये बन गया। इस रेफरेंस को आप टॉप पे रखें ताकि आप साथ साथ देखते रहें। अब जो है ये ग्रीन तो बना ले, इधर लिखा हुआ है द हेल्थी अल्टरनेटिव टू फास्ट फूड, ठीक है। इसी तरह का हम वाइट कलर का टेक्स्ट, सिर्फ आपने कलर्स के ऊपर मद्देनजर रखना है कि कलर्स आपने किस तरह का रखना है। द हेल्दी अल्टरनेटिव टू फास्ट फूड, ठीक है जी। इसका हम फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट हमने चेंज किया तो ये हमने यहाँ पे ये हमने लिख दिया, ठीक है। और इसी तरह हम अब डिफरेंट फूड की फोटोज लेके आएंगे। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं वेजिटेबल, जब आप वेजिटेबल तो आपके पास ये डिफरेंट किस्म की फूड्स आ गई। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक इमेज, आप अब इसमें से जो हमारी अच्छी इमेजेस होगी हम उन इमेजेस को साथ पिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक आपकी इमेज है, इसको हम कॉपी करते हैं, ये हमने कॉपी किया और इसके बाद यहाँ पे गए और आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको थोड़े सेकंड के लिए अब ऑफ कर दें आपकी ये एक इमेज, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक और फोटो लेनी है, फॉर एग्जाम्पल अब ये फोटो ले लें, कॉपी करें इसको आप और उसके बाद ये, ठीक है। अब इसी को आप इसी के साइज पे इसको बड़ा करेंगे फोटो को, ये देखें ये, ठीक है जी। एक दो इसको दोनों को सेलेक्ट करें शिफ्ट प्रेस करके, फिर इसको आप छोटा करें ताकि आपकी एक और फोटो आ सके। एक ये फोटो देखते हैं हम, ये कॉपी किया हमने और उसके बाद यहाँ पे किया और ये किया आपने, इसको ये पेस्ट किया और ये इसका हिस्सा। अब आप ये देखें ये आपकी 3 फोटोज हो गई, ठीक है। अब हम अगर रेफरेंस में देखें तो नीचे जो है आपके लोगोज वगैरह डिफरेंट गए हैं, ठीक है। उसके बाद कोई अगर आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है तो कुछ भी आप, मैं इसी को कॉपी ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करता हूँ और टी के ऊपर डबल क्लिक किया और इसका मैंने कलर चेंज किया। सी ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और आप ये देखें अब यही जो चीज़ है ये एक आपने इंटरनेशनल पेपर में बनाया। इसी को हम अब एक कवर पेज में लेके जाते हैं, फाइल न्यू कस्टम में गए, आपने पिक्सल को इंचेस में किया, विड्थ को 8, 3, हाइट रेजोल्यूशन आपकी हो गई 300। ये आ गया। अब ये वाला जो कलर है आई ड्रॉपर से आप ये कलर पिक करें और ऊपर से ये क्लिक किया ये वाली फाइल, इसी तरह आप यहाँ पे इसका ये साइज हमने बना दिया। और इसी तरह के हमने 3 फोटोज जो हैं उन 3 फोटोज को हमने लेके आना, कॉपी ये यहाँ पे आपने एक फोटो रखी। ये अब हम फेसबुक का कवर पेज को डिजाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने एक ये वाली अब हम फोटो रखेंगे, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर आपने ये देखें यहाँ पे रखा, ठीक है जी।
उसके बाद आपने फिर यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी करेंगे आप, उसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है जी, अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि आपकी 3 फोटोज। अब इसके ऊपर आपने कोई भी अगर टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे आप इसको वाइट कलर करके आप लिख सकते हैं। फ्रेश फूड फ्रेश हेल्थ, ये देखें आपने ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, और इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ या नीचे पे रखता हूँ, और इसके मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैंने ब्लैक किया। ये देखें, ये अब ये इस तरह ना, अब आपका कवर पेज भी और ये आपकी पोस्ट भी हो गई है। और ये जो चीज़ है आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करके मुझे अगली क्लास से पहले आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।